जिसे अपने पर विश्वास नहीं वो जिंदा ही क्या है। एक पक्षी अनंत आकाश में उड़ रहा है, वह पक्षी नील गगन में अपने छोटे छोटे परों के माध्यम से आकाश की दूरियों को नाप रहा है। गाठो वगैरह लग जाए तो रिश्ते हो दूरी, लाओ कोशिश खुलने में बाती तो लगता है, लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, धर्म की राहों पर चलने में वक्त तो लगता है। वह पक्षी आकाश की दूरियों को नाप रहा है। अचानक क्या होता है, हो सकता उस पक्षी को चक्कर आ गए हो, उसकी बीपी बढ़ गई हो, उसका शुगर हाई फाई हो गया हो, वो अपनी मौत मरा नहीं, लड़खड़ाते 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 जब तक लड़खड़ाएगा तब तक तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, लड़खड़ाते 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 धीरे से वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे जमीन पर गिरा शरीर खून से लथपथ हो गया। संयोग की बात कहो, जहां पर गिरा वहां पर एक जिन मंदिर बना था, मंदिर के पीछे ही जाके गिरा। गिरा संयोग की बात कहो, परिवर्तन का समय चल रहा था। कई बार जब कुछ अच्छा होना होता है तो एक साथ अनेक संजोग बन जाते हैं। समय गुरु जी कह रहे थे कि बेटा जब मैं कुशगिरी से निकला उस दिन मंद मंद काश मेरी बरसात हो रही थी, तो मेरे मन ने कहा कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम निर्विघ्न संपन्न नहीं होगा अपितु सानंद प्रभावना के साथ संपन्न होगा। और जैसे ही कल गुरु जी मंगल प्रवेश किया, गुरु क्या आए, गुरुवर क्या मिल गए कि दो जहान मिल गए, गुरुवर मिल गए कि दो जहान मिल गए, गुरुवर क्या मिल गए कि दो जहान मिल गए, उजड़े हुए चमन को बागवान मिल गए, उजड़े हुए चमन को बागवान मिल गए, गुरुवर क्या मिल गए कि मिल। उस न्यू गेट पर गुरुदेव के जैसी चल पड़े और जैसी उससे आगे बढ़े, इंद्र महाराज ने फिर मंद मंद काश मेरी बरसात कर दी। मुझे लगा जैसे आज गुरु आज इंद्र महाराज कैसे बरसे, जैसे गुरुदेव वहीं से सेटिंग करके आए हो कि मैं जा रहा हूं जयपुर, ध्यान रखना, और जैसे ही प्रवेश करो तो ध्यान रखना। और वाकई में कल का जो प्रवेश और कल का जो इंद्र महाराज की प्रसन्नता संपूर्ण आयोजन की सफलता का सूचना दे रही थी, और पूरे जयपुर के समाज के घर घर में बच्चे बच्चे के मन में एक ही प्रश्न, एक ही उत्साह, एक ही उमंग, एक ही तरंग कि 14 अप्रैल से 23 के बीच में क्या होने वाला है। अरे वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा।